हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज 17th लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शंस। इन दिस लेक्चर वी सी अ थ्योरम ऑन साइन ऑफ डेरिवेटिव। लेट अस सी, थ्योरम, लेट एफ बी अ फंक्शन, let f be a function defined on closed interval ab such that f dash c exists, comma a less than c less than b, yani c is a number between a and b, c belongs to open interval ab, full stop. नंबर एक, इफ एफ डे सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी कामा सी प्लस डेल्टा। And f of x less than f of a for all x belonging to open interval c minus delta c. Second, if f dash c is negative less than 0, then there exists a delta greater than 0 such that f of x less than f of a, f of a नहीं f of c, a कहां से आ गया, c पर बातचीत चल रही ना, c sorry, या greater इस पे less कर देना है, for all x belonging to open interval f of x, हाँ ठीक है, सी सी प्लस डेल्टा, सी सी प्लस डेल्टा, एंड एफ ऑफ एक्स जो इसमें है उसका उल्टा कर दीजिए, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी। यही थ्योरम है। पहले तो इसकी आप ज्योमेट्री समझ लो जो आपको फिर आसान लगेगा, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातचीत नहीं है। आइए ज्योमेट्रिकली देखें इसको। पहली बात तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, कर्व के उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, यानी टेन साई पॉजिटिव है, तो साई एक्यूट एंगल होगा, और अगर टेन साई निगेटिव है तो साई ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो अधिक कोण। तो जरा देखो, पहला एफ डे सी पॉजिटिव है, माने टेन साई पॉजिटिव है, तो साई कैसा हुआ, एक्यूट एंगल हुआ। ध्यान से देखिए ज्योमेट्री को, सी पर, सी पर जो टेंजेंट है वो ऐसा होगा तभी तो ये एंगल न्यून कोण बनेगा, और निगेटिव का मतलब ऐसा होगा तभी ये एंगल अधिक कोण बनेगा। तो पॉइंट सी, सी पर इस तरीके की प्रवृत्ति है, इस तरीके की, इस तरीके, ऐसी टेंजेंट होगा। तो क्या कह रहा है, सी सी प्लस डेल्टा, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे आप ले लो सी माइनस डेल्टा, उतने ही दूर इधर ले लो सी प्लस डेल्टा। तो सी सी प्लस डेल्टा में, सी सी प्लस डेल्टा में क्या होगा, ये एफ ऑफ सी है। तो इस वाले रेंज में जो भी आप एल्टीट्यूड खींचोगे एफ ऑफ एक्स के नाम पर, वो एफ ऑफ सी से बड़ा होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी से बड़ा होगा। और सी सी माइनस डेल्टा में ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ सी से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि कर्व यहाँ पे इंक्रीजिंग स्थिति में है, इंक्रीजिंग स्थिति में है, और सी पर जो टेंजेंट खींचा गया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तभी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव है। यही चीज था, इंक्रीजिंग की स्थिति दिखाई जा रही है।
अगर एफ डैश सी निगेटिव है, निगेटिव का मतलब हो गया फिर कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, तो सी पर निगेटिव माने टेंजेंट की प्रवृत्ति ऐसी है, ऐसा टेंजेंट है ना, तभी तो इसके साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये एफ ऑफ सी हो गया, और इस वाले में सी सी प्लस डेल्टा में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी से छोटा होगा, सी सी प्लस डेल्टा वाले में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी से छोटा होगा, और इस वाले में जो एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ सी से बड़ा होगा। यही तो लिखा है, फिर से एक बार अपना समझ लीजिए जो हमने समझाया है, इसको आप वीडियो को पुनः देख लीजिए दो तीन बार। इसी को हमें प्रूव करना है, एनालिटिकली प्रूव करना है, ये तो ज्योमेट्रिकली बात आपको हमने समझा दिया। प्रूफ, एफ डैश सी एग्जिस्ट्स, ये दिया हुआ है, एफ डैश सी एग्जिस्ट्स, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट्स, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यही बराबर किसके होता है, एफ डैश सी। इसी लिमिट को डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी कहते हैं, एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। लिमिट का डेफिनेशन इस पे थोपिए, लगाइए, इंपोज करिए, दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स, जिसे ना ये साई ऑफ एक्स फंक्शन है, ये एक्सटेंस टू सी है, मान लो ये एल है, तो फाई ऑफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉडुलस एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, यही मैं लिखने जा रहा हूं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस लिमिट कितनी है एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, दैट इज, देखो इसका टोपोलॉजिकल मीनिंग होता है दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस के बीच में ये होगा, यानी कि एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज लेस देन एफ डैश ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, और इसको हम लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू सी, नंबर एक, इसकी नंबरिंग कर दें। अब दो केस उठाना है, पहला केस व्हेन एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, यही तो है ना, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, ये जो कुछ भी आपके सामने रिजल्ट है इसमें इसकी हैसियत क्या है, ये आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है हाउ एवर स्मॉल, और डेल्टा क्या है, ये एप्सिलॉन पर निर्भर डिपेंड करता हुआ एक पॉजिटिव नंबर है। वी चूज एप्सिलॉन इन सच अ वे दैट एफ डैश सी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, तो इस पॉजिटिव नंबर से छोटे पॉजिटिव नंबर भी तो होंगे ना, तो हम एप्सिलॉन लेस देन एफ डैश सी चूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन लेस देन एफ डैश सी, विच इज क्वाइट पॉसिबल, जो कि बिल्कुल संभव है, एक पॉजिटिव नंबर से छोटी संख्या पॉजिटिव लेनी है तो एक ही नंबर हो गया कि बहुत सारे हैं कुछ भी ले लो, हम एप्सिलॉन ले लिए, विच इज क्वाइट पॉसिबल, जो कि बिल्कुल संभव है, क्यू यू आई टी ई, विच इज क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल संभव, फुल स्टॉप। नाउ
एफ डे सी बड़ा है एप्सिलॉन छोटा है, तो एफ डे सी माइनस एप्सिलॉन कितना होगा? एफ डे सी माइनस एप्सिलॉन कितना होगा? पॉजिटिव होगा ना, एंड एफ डे सी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन पॉजिटिव है, दोनों का सम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एफ डे सी प्लस एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। गौर से देखें आप, हम इसको बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं ताकि ये चमके दिखाई पड़े। ये देखो, तो इस केस में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में यदि कोई नंबर है तो वो भी पॉजिटिव होगा। फ्रॉम वन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज पॉजिटिव। अभी दिस अपॉन दिस पॉजिटिव कब होगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, अथवा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है भाई, और ये बात हो, इसके लिए ये लगाते चलिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, इंप्लाइज दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ c पॉजिटिव, x माइनस c पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा एंड, और कब ये पॉजिटिव होगा? दिस अपॉन दिस, जब दोनों निगेटिव हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन जीरो, x माइनस c लेस देन जीरो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, दिस इंप्लाइज दैट। इसे तो मैं लिख दे रहा हूँ f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ c, और इसे मैं लिख दे रहा हूँ x ग्रेटर देन c ना, तो x ग्रेटर देन c के लिए है ये x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा एंड इसे लिख दे रहा हूँ मैं f ऑफ x लेस देन f ऑफ c, इसे लिख दे रहा हूँ मैं x लेस देन c है ना, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, और ध्यान से इसी को हम सेट करके ऐसे लिख दे रहे हैं, इम्प्लाइज दैट। देखो f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ c, f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ c फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, इसी के उस पोर्शन में जिसमें x c से बड़ा हो। इसके किस पोर्शन में x c से बड़ा होगा? c c प्लस डेल्टा, देखो इसके ठीक बीच में c है, c माइनस डेल्टा इधर है, c प्लस डेल्टा इधर है, तो c से बड़ा वाला क्षेत्र कौन होगा? c c प्लस डेल्टा, ओपन इंटरवल c c प्लस डेल्टा एंड दूसरा वाला है f ऑफ x लेस देन f ऑफ c फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, इसमें हमको इसका वो पोर्शन चाहिए जिसमें x c से छोटा हो, तो किस पोर्शन में है? c माइनस डेल्टा c, यही प्रूव करना था बेटा, यही आपको प्रूव करना था। अब देख लो स्टेटमेंट में, f ऑफ x कहाँ गया? ग्रेटर देन f ऑफ c c c प्लस डेल्टा में, और f ऑफ x लेस देन f ऑफ c c माइनस डेल्टा c में, यही प्रूव करना था। एक केस हो गया, मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमको ये चीज चाहिए बार बार। नंबर टू, व्हेन एफ डे सी लेस देन जीरो, तो अगर एफ डे सी निगेटिव है तो एफ डे सी का निगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी माइनस एफ डे सी पॉजिटिव होगा। तो वी चूज एप्सिलॉन इन सच अ वे दैट एप्सिलॉन इज लेस देन माइनस एफ डे सी। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, एफ डे सी निगेटिव है तो माइनस एफ डे सी पॉजिटिव होगा, इस पॉजिटिव नंबर से छोटा पॉजिटिव नंबर हमने लिया जो कि बिल्कुल संभव है, विच इज क्वाइट पॉसिबल। अब देखें आप इसको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा एफ डे सी प्लस एप्सिलॉन लेस देन जीरो, एफ डे सी प्लस एप्सिलॉन लेस देन जीरो, ये हो गया। एंड एफ डे सी बाई नेचर निगेटिव है और माइनस एप्सिलॉन निगेटिव है, एफ डे सी को माइनस एप्सिलॉन को ऐड करोगे तो क्या आएगा? एफ डे सी माइनस एप्सिलॉन, ये भी निगेटिव होगा। तो गौर से देखें, ये संख्या निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दो निगेटिव नंबर्स के बीच में जो है वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो फ्रॉम वन दिस इज निगेटिव,
बस इसी में हम सेट करते जा रहे हैं और अब सब मिटा दे रहे हैं। बाकी हम इसी में सेट करते जा रहे हैं। कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा? दो स्थितियां बनेंगे, जब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हो, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हो, या एंड जो भी कह लें, ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो। ये तो देखें आप, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी और एक्स लेस देन सी, इसमें होगा ना, इसमें एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी एंड एक्स ग्रेटर देन सी, बस हो गया। इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी उन सभी सी के लिए, इसके उस पोर्शन के लिए जिसमें एक्स लेस देन सी हो। तो एक्स लेस देन सी कहाँ पे होगा? ये होगा ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी, एंड एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, इसका वो पोर्शन जिसमें एक्स सी से बड़ा हो। सी से बड़ा माने सी सी प्लस डेल्टा, यही प्रूफ करना था। प्रूफ कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसकी कॉरलरी देखें आप। एक बार में अगर सारी चीजें न पकड़ में आई हो तो वीडियो को दो बार देखिए। कॉरलरी, अभी हम सी पर बात कर रहे थे, ए और बी के बीच के नंबर सी पे बात कर रहे थे, अब हम ए पर बात करेंगे, अब हम बी पर बात करेंगे। तो दो रिजल्ट ए वाले से आएंगे और दो रिजल्ट बी वाले से आएंगे। देखो कॉरोलरी, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन defined on AB, defined on closed interval AB such that f dash A and f dash B exist, दोनों exist करते हैं, then number एक, f dash A greater than zero implies that f of x greater than f of a for all x belonging to open interval a a plus delta। देखो ये closed interval a b में a point पर बातचीत हो रही है, a point पर जब भी बात करिएगा तो आपको a minus delta a plus delta open interval नहीं मिलेगा। a minus delta कहाँ, a के इधर तो कुछ है ही नहीं है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, a से ही शुरू होगी। ये मिलेगा, इसी में सारी बातचीत आपको करनी है जब आप ए में बात कर रहे हो। तो जब आप बी पर बात कर रहे हो तो आपको सारी बात किस पे करनी होगी, बी माइनस डेल्टा बी, क्योंकि बी के आगे कुछ ही नहीं है। एंड एफ डेस ए लेस देन जीरो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेम इंटरवल ए ए प्लस डेल्टा। इसको समझना चाहेंगे आप, ए बी बात ए पर हो रही है, एफ डेस ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ए पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, माने ए पर कर्व बनेगा। अगर एफ डेस ए ग्रेटर देन जीरो हो, माने ए पर स्लोप पॉजिटिव हो टेंजेंट का, यानी कि टेंजेंट ओ एक्स के साथ न्यून कोण बनाए, एक्यूट एंगल बनाए ए पर। अब ए के इधर तो कर्व हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि सारी बातचीत हमें क्लोज्ड इंटरवल ए बी में करनी है, तो हमको इधर उठाना है ना, इधर पॉजिटिव कर्व है, इसका मतलब टेंजेंट ऐसा आएगा ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, एक्यूट एंगल, तभी तो स्लोप उसका पॉजिटिव होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए से आगे हमने लिया ए प्लस डेल्टा, तो इस इंटरवल में
जो एफ एक्स होगा वो देखो इससे बड़ा होगा कि नहीं, ये ऊंचा है ना इसके मुकाबले, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इन दिस इंटरवल, क्या प्रूव करना है, सीधा सीधा है। अगर अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निगेटिव है तो निगेटिव टेंजेंट होने का मतलब हो गया कि ओ एक्स के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है, ऐसी स्थिति होगी, ये टेंजेंट होगा। तो अब इसमें देखो, इसमें देखो जितने भी एफ ऑफ एक्स लोगे वो सब के सब एफ ऑफ ए से छोटे होंगे, यानी एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए, क्या देखो ये ऐसे बी के लिए, ऐसे बी के लिए, बी के लिए देखो हम बातचीत करके दिखा दे रहे तब लिखते हैं, ए बी और बी इधर है, बी माइनस डेल्टा, इसी इंटरवल में आपको बात करनी है, इसी ओपन इंटरवल में। जब एफ डेस बी ग्रेटर देन जीरो, एफ डेस बी ग्रेटर देन जीरो यानी बी पर टेंजेंट कैसे बने, ओ एक्स के साथ न्यून कोण एक्यूट एंगल बनाने वाला टेंजेंट बने, ऐसा बने। तो जब ऐसा बनेगा तो इस इंटरवल में जो एफ एक्स होगा वो एफ ऑफ बी से कम होगा, यानी कि हमने ये निष्कर्ष लिया कि जब एफ डेस बी ग्रेटर देन जीरो हो तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ बी है। और जब एफ डेस बी लेस देन जीरो हो माने ऑब्ट्यूज एंगल बनने की बात हो, बी पर, बी पर टेंजेंट ओ एक्स के साथ अधिक कोण बनाए, बी पर, बी पर अधिक कोण बनाए माने ऐसा टेंजेंट खिंचाएगा, तब अब बी के उधर तो बेटा हमको जाना ही नहीं, इधर ही आना है, तो ये हो जाएगा बी माइनस डेल्टा। तो इस इंटरवल में जो एफ एक्स होगा वो एफ ऑफ बी से बड़ा होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी। ये सारी बात कही किस इंटरवल में हो रही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल, बताएं बी माइनस डेल्टा बी। अब देखना हम जो लिखेंगे वो यही चीज लिखेंगे, तो ज्योमेट्रिकली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और एनालिटिकली प्रूव करना जैसे सी में हम बताए थे वैसे इसका होगा। नंबर टू, एफ डेज बी ग्रेटर देन जीरो, एफ डेज बी ग्रेटर देन जीरो, मैं देख के लिख रहा हूं और फिर इससे मिलाता रहूंगा, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल बी माइनस डेल्टा बी एंड एफ डेज बी लेस देन जीरो, ये वाला एफ डेस बी लेस देन जीरो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल बी माइनस डेल्टा बी, ये था कुल। साइन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट देखो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिकली चीजों को आप नोट करो, नोटिस करो, समझो उसको, नोट गठिया लो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखो डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली किसको किससे कनेक्ट होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव है किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब टेंजेंट ऐसा होगा जो ओ एक्स के साथ न्यून कोण एक्यूट एंगल बना रहा होगा। थीटा अगर न्यून कोण है तभी तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा निगेटिव कब आएगा, जब ये अधिक कोण, अधिक कोण हो, पाई बाई टू से ज़्यादा हो, ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ये देखो इस स्थिति में, इस स्थिति में ये अधिक कोण है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है का इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा। अब ये पॉइंट है, मान लो कोई भी पॉइंट है सी सी, तो अब इस इंटरवल में भी आप बातचीत कर सकते हो, केवल इस इंटरवल में बातचीत कर सकते हो। इस इंटरवल में क्या होगा, देखो जब आप इस हाफ की बात करोगे तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो एफ ऑफ सी से बड़ा होगा, जब इधर आओगे तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी से छोटा होगा। यहाँ क्या है, अगर इसको आप डी समझ लो और ये इंटरवल कट कर लो, तो इस इंटरवल में जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ डी से छोटा है, और इस इंटरवल में जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ डी से बड़ा है, काम खत्म, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। अगर आप इस तरीके से ज्योमेट्रिकली इस फैक्ट को दिमाग में गठिया लें, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉर्बॉक्स थ्योरम, डॉर्बॉक्स थ्योरम ऑफ डिफरेंसिबिलिटी, उसके बाद फिर डॉर्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। थैंक यू वेरी मच।